हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल का नेक्स्ट वीडियो प्रायद्वीप पठार से संबंधित लाने जा रहे हैं। प्रायद्वीप पठार का इंट्रोडक्शन, परिचय, उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी पिछले वीडियो में। हर चीज के बारे में जानकारी दे दी थी। कितने भागों में विभाजित है भी मैंने बता दिया था। दो भागों में, उन दो भागों में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें। अब हम उन दो भागों से संबंधित जो भी चीजें दी जाएंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। प्रयास ये रहे, अदरवाइज आप लोगों को PDF नोट्स दे दिए जाएंगे, पर कुछ समस्याओं की वजह से हमें नहीं प्रोवाइड कराए जा पा रहे हैं, तो इसलिए ठीक। तो आज मध्यमवर्ती उच्च भूमि के तहत पहला पॉइंट जो था वो अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी पे हम लोग का चर्चा करेंगे, सही है? देखिए, ये अरावली पर्वत श्रेणी के तहत भारत का मैंने नक्शा बनाया। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये इसका विस्तार है वर्तमान में। अगर देखा जाए प्राचीन काल में तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक था। काफी बड़ी पर्वत श्रेणी मानी जाती थी है प्राचीन टाइम में। बहुत समय पहले इसका विस्तार बहुत था, लेकिन अपरदन की वजह से टूट टूट के ये काफी छोटी हो गई है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है अब काफी कम हो गया, नहीं तो उसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक था। इतनी लंबी पर्वत श्रेणी थी, लगभग लगभग कुछ नहीं तो 2000 किलोमीटर, 1800, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन अब वो घट के 1000 के नीचे ही आ गए। देखा जाए तो वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर। कितनी है इसकी कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। ठीक, ये कुल लंबाई है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, दूसरी चीज, अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार तीन राज्यों में है। लिखते भी चलिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार तीन राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? तो दिल्ली, राजस्थान एवं गुजरात, इन तीन राज्यों में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार। 800 किलोमीटर लंबी और तीन राज्यों में इसका विस्तार है। अब बात करते हैं तीन राज्यों में इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी का। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो विस्तार है ये ऐसे है, अलग से मैं आपको बता रहा हूं। तो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक, तो उत्तर पूर्व में ये दिल्ली के मजनू टीला तक है। कहाँ? दिल्ली के मजनू टीला तक है, मजनू टीला तक है। ठीक है, तो किस दिशा में? उत्तर पूर्व। और इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिमी विस्तार, तो बात करें इसका दक्षिण पश्चिमी विस्तार की बात करते हैं तो गुजरात के पालनपुर तक, गुजरात के पालनपुर तक इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है ये कहां तक है? गुजरात के पालनपुर तक, पालनपुर तक। ठीक, और इधर मजनू टीला, मजनू टीला तक है दिल्ली।
दिल्ली के मजनू टीला तक इसका विस्तार है। अगर हम बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की बहुत खास विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन में ये भी आता है दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है, तो दुनिया के विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में अरावली पर्वत श्रेणी आती है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, पुरानी पर्वत श्रेणी, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी गई है अरावली पर्वत श्रेणी, प्राचीनतम, ठीक, दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में इसका नाम है। उसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे उच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का इसका सबसे उच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, कौन सा है, गुरु शिखर, सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन सी चोटी है, गुरु शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कौन सा है, गुरु शिखर है, लगभग 1722 मीटर, कितनी है 1722 मीटर, तो ये कहां स्थित है, ये है माउंट आबू पे, माउंट आबू, माउंट आबू पे गुरु शिखर पर्वत श्रेणी स्थित है। माउंट आबू जैन मुनियों का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित काफी ज्यादा वहां पे पॉइंट्स हैं, जैन धर्म के अनुयायी वहां ज्यादा निवास करते हैं, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहां पे है, माउंट आबू पे, तो माउंट आबू पे सबसे ऊंचा गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू में स्थित है। उसके अलावा अन्य कई चोटियां हैं जैसे जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, देखा जाए अगर नोट कर लो तो इसके तहत इसमें कई हैं, जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, कई ऐसी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित, ठीक है, कई ऐसी है, आप हर चीज नोट करते चलिएगा, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी की विशेषता कि इसका फैलाव जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ऐसे है, सारी पर्वत श्रेणियां ऐसे ढालनुमा है या ऐसे उत्तर ये ढाल है, ठीक। दूसरी चीज, अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत के मानसून पर भी काफी प्रभाव डालती है, कि जिसके वजह से उसके इर्द गिर्द खासतौर से पूर्वी क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है, अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का, मानसूनी बारिश का इफेक्ट ज्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का मथुरा थोड़ा जो है इधर ही पड़ता है, तो जो काफी गर्म जगह मानी जाती है, सबसे गर्म प्रदेशों में उत्तर प्रदेश है, मथुरा काफी गर्म जिला माना जाता है, ठीक, तो ये फैक्ट्स है। उसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कई नदियों का प्रवाह है, जैसे माही नदी, लूनी नदी, जो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम दिशा में बहती है, इधर बहती है अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम दिशा में बहती है माही नदी व लूनी नदी, इसके अरावली के पश्चिम में बहती है, ठीक। और उसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी नीस व ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, नीस व ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में
अरावली पर्वत श्रेणी में मैदानी क्षेत्र भी पाया जाता है। भाई पठार है मैदान है, पठार है मैदान है, इसी तरह इसका विस्तार। ठीक, तो जितनी खास और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने लिखा दिए, बता दिए, जो पेपर में आपके आएगा वो हर 21 के दिन राज्यों फैली हुई है, इसका सिरा कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके फैक्ट्स कितने हैं मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, आपके बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनते जाएंगे, राइट। तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगे लाइक कमेंट व शेयर करें जरूर, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ हो, कोई भी जानकारी हो, कोई बात रखनी हो आप रख सकते हैं, जिसके वजह से उस पर काम किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या जो भी चीज़ हो आप उनसे जरूर शेयर करें, इससे हम आपको हो सकेगा तो जितना हो पाएगा मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।